এগুলো এখনো হয় নাই এবং ইন্টিগ্রেশন অফ ইনার লাইন পারমিট ডিপিআইডি সেটা ইন্টিগ্রেশন অফ ইনার লাইন পারমিট করার কথা দাদা একটু এদিকে এটা এখনো হয় না। আহ্বান করেছেন, আহ্বান করার পরে আমাদেরকে আরে আমার মোবাইল গুলো আরে ফ্ল্যাগ দিকে আই জেলিয়া এই ভাবে এগুলো করার জন্য এবং ভিলেজ ফোর্স পুলিশ ফোর্স দাবি গুলো হচ্ছে একটু আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি দিতে হবে, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি দিতে হবে। হ্যালো 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 কষ্ট ছাড়েন, একটু কষ্ট ছাড়েন। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठोले त्रिपुरा स्टेट की तरफ से सत्यजीत दास के नेतृत्व में आज इस जगह पे हम लोग रैली कर रहे हैं। रियलिटी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग पूरे देश में जो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, जिनकी समस्या है उसको सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रामदास जाटोल साहब के नेतृत्व में पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी गरीबों के लिए सभी समस्याओं को लेके हम लोग उठाते हैं और उनको न्याय मिलवा के देने के लिए काम करते हैं। त्रिपुरा में आज हमें पता चला कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पास में ऐसा बहुत सारा कार्यकर्ता आया, यहाँ का लोकल बहुत सारा लोग हमारे सत्यजीत दास जी के पास आके उन्होंने उनके समस्या के बारे में बताया। यहाँ का सबसे बड़ा इशू जो फंडामेंटल राइट्स, अभी तक 70 साल 70 ईयर हो गया देश को स्वतंत्रता होकर, 75 ईयर हो गया। आज हम लोग आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव जगह जगह पे महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन आज त्रिपुरा में एक देखने को मिला कि फंडामेंटल राइट से भी लोग अभी तक पीछे हैं। उनको भारतीय संविधान की तरफ से मिलने वाला जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी नहीं बना। उनके जो मूलाधिकार मिलवा के देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ से त्रिपुरा स्टेट के सत्यजीत के नेतृत्व में और सम्माननीय हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रामदास जाटोले साहब के नेतृत्व में पूरे त्रिपुरा में हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे। और जो लोग यहाँ रिटर्नीज लोग हैं जिन्होंने भारत सरकार के साथ में जो एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट के तहत उनको कोई भी न्याय नहीं मिला अभी तक, तो रिटर्नीज जो लोग हैं वो लोगों के भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम उनको न्याय मिलवा के देना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये ध्यान में रखना है कि रिटर्नीज लोग हैं उनके साथ में जो आप लोगों ने जो एमओयू किया था, जो एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट के तहत जल्द से जल्द उनको न्याय देना है, जल्द से जल्द उनको उनका समस्या का निराकरण करना है। अगर नहीं होता है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और आगे जाके तीव्र आंदोलन किया जाएगा। आपका शुभ नाम और डेजिग्नेशन? विनोद निकाल जे, इंचार्ज ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठोले। রেলিটারও 44 দফা দাবিতে আমরা আজকে আগরতলা রেলি করছি, কারণ আমাদের যে জেলা অভিযানগুলি ছিল সেগুলি অলরেডি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তো এখন আমরা আগরতলায় জানান দিতে চাই এবং আমাদের শক্তি প্রদর্শন করতে চাই, কমপ্লিট শক্তি প্রদর্শন করতে চাই এবং আমাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমরা যা যা করতে হবে আমাদের জনস্বার্থে আমরা তাই করব। আমাদের পার্টি ডিসিশন নিয়েছে এবং মন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন আমাদের পার্টির যে দাবি আছে দাবিগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং আমাদের এখানে টিওআরপিসির যে দাবি আছে দাবিগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং সেইগুলি পূরণ করার জন্য আমাদের যা যা এখন করণীয় পার্টি সেইগুলি এখন ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এবং ইতিমধ্যে আমাদের নর্থ ইস্ট অবজারভার উনি এসে গেছেন এবং উনি আসছেন, এখন দেখতে পাবেন আপনারা। এবং আমাদের পার্টি যা যা করণীয় আমরা শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। প্রধান প্রধান দাবিগুলি কি? দাবিগুলির মধ্যে হলো আমাদের জনজাতিদের স্বার্থে যেগুলি হলো রিটার্নে যারা ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনে ওদের যে লাইভলিহুডের যে দাবি আছে সেগুলি আমাদের আরও শক্তভাবে সরকারের সাথে যে পিস চুক্তি হয়েছিল, শান্তি চুক্তি হয়েছে, সেগুলি যেন আরও দ্রুততার সঙ্গে এগুলি পূরণ করে। যেগুলি পেন্ডিং আছে এখনও, অনন্তবাবু ডিটেলস বলবে, যেগুলি পেন্ডিং আছে সেগুলি পূরণ করতে হবে এখন। সেগুলি পূরণ করার লক্ষ্যে আমাদের যা করতে লাগে এখন আমরা মোটামুটি তা করবো। এবং আমরা এখন রাস্তায় হরদম আছি, আগরতলা হতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হরদম আছি।